here comes the first question in front of you. In the year 1860, who was the first British royalty to visit US? This is a very significant thing because you know that Americans fought against the British and got their independence. So after that, almost 100 years after that, in 1860, पहले जो राजा थे ब्रिटिश के, उन्होंने यूएस में विजिट किया. जो पहले राजा थे, इनका नाम आपको बताना है. पूरा बताएंगे तो जीतेंगे. 1860, who was the first British royalty to visit US in 1860? And your time starts now. Alright, the time is up. और हम इसका आंसर अभी ओपन कर देते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि किसने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है. Alright, here comes the answer. His name is King Edward the Seventh. King Edward the Seventh. और इनका जो रॉयल नेम है वो King Edward the Seventh है. और एक्चुअल पर्सनल नेम है Albert Edward है वो. And later he also became the Prince of Wales. Alright, तो अब हम देखते हैं कि ये किसने सही आंसर दिया है. तो सबसे पहले आंसर आया है सीमा ब्रदर का. उन्होंने कहा है अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स. बिल्कुल सही बोला है. वैसे एडवर्ड द सेवेंथ है ये, लेकिन किसी और ने भी जवाब नहीं दिया है, सिर्फ सीमा ब्रदर ने दिया है. तो सीमा ब्रदर, यू आर द विनर इन दिस राउंड. गुड जॉब. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रियल क्विक. इन द ईयर 1963, which US president first proposed a joint US-Soviet voyage to the moon? 1963 में वो कौन से US के president थे जिन्होंने पहली दफा joint US and USSR का joint mission moon पे उन्होंने propose किया कि भाई हम साथ में मिलके moon पे जाते हैं. वैसे आपको पता है कि moon पे आदमी उतारने वाला तो United States ही है, लेकिन 1963 में ऐसा proposal एक US के president ने दिया था. उनका आपको पूरा नाम बताना है और एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. Alright, time is up and अब इसका हम आंसर खोल देते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कौन इसमें विजयी रहा है. So I'm going to open the answer now. His full name is John Fitzgerald Kennedy, JFK. John Fitzgerald Kennedy. He proposed that USSR and US must team up together to send man on the moon to have a joint mission. Alright, अब इसका सबसे सही जवाब देने वाले हैं सिमे ब्रदर ने कहा है रिचर्ड निक्सन, विच इज नॉट द राइट आंसर. हाउएवर उन्होंने इसको करेक्ट भी किया है एंड उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी.
तो शिवा ब्रदर आप इस राउंड में जीतती हैं। जॉन एफ कैनेडी इज द राइट आंसर। गुड जॉब सीमा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रियल क्विक। सब लोग फोकस करें इस क्विज पे और आंसर दें, क्योंकि तो अगर आप जीतेंगे यू विल बिकम एलिजिबल टू गेट फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 400 रुपीज और $5। ऑल राइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1970 विच सोवियत स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन द मून। 1970 में कौन सा सोवियत का स्पेसक्राफ्ट था, सोवियत यूनियन का, विच इज यूएसएसआर का, जिसने सक्सेसफुल लैंडिंग किया मून के सरफेस पे। एंड आपको बता दें ये अनमैन था। तो फॉर योर नॉलेज बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो अपोलो 11 में लैंड करे थे मून के ऊपर, वो 1969 में किया था। हाउएवर दिस क्वेश्चन इज अबाउट 1970, जिसमें यूएसएसआर का वो कौन सा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था जो पहली दफा मून पे लैंड कर पाया। और योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक मिनट का जो समय है वो समाप्त हो गया है। अब हम इसका आंसर ओपन करेंगे, देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। द क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1970 विच सोवियत स्पेसक्राफ्ट मेड द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हियर कम्स द आंसर, इट इज लूना 16। लूना 16 इज द आंसर। और हम देखेंगे किसने आंसर दिया है। देखिए सीमा बरादर ने ही इस पे अटेम्प्ट किया है, लेकिन उनका आंसर सही नहीं है। उन्होंने बोला है लूना 17, विच इज नॉट द राइट आंसर। अनफॉर्चुनेटली इस राउंड में किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। गुड अटेम्प्ट सीमा ब्रदर, गुड यू नो, गुड अटेम्प्ट ऑफ कोर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट राउंड है, देखते हैं इसको कौन जीतता है। इन द ईयर 2023 वी हैव फाउंड द अर्लिएस्ट नोन एविडेंस फॉर ह्यूमन बिल्डिंग विद वुड, वेयर दिस वॉज डिस्कवर्ड। बाय द वे दिस इज नियरली हाफ अ मिलियन ईयर्स ओल्ड। प्रायर टू दिस द ओल्डेस्ट सेटलमेंट विद वुड बिल्डिंग वर ओनली 9,000 ईयर्स बैक। सो यू नो इन द ईयर 2023 वी वर एबल टू लोकेट अ कॉलोनी विच वॉज 5 lakh years बिफोर, हाफ अ मिलियन ईयर्स बिफोर, वेयर ह्यूमन्स वर मेकिंग वुड हाउसेस। वेयर दिस लोकेशन इज, वेयर इट वॉज डिस्कवर्ड। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 5 लाख साल पहले ह्यूमन, जो हमारे आदमी है, पुराने आदमी ह्यूमन्स की बिल्डिंग मिली है, जो उस समय 5 लाख साल पहले वो लकड़ी से घर बनाते थे। क्योंकि इससे पहले हम ये समझते थे कि सिर्फ 10-12 हजार साल पहले ही हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन को थोड़ा सा एडवांसमेंट मिला है। तो ये जो फॉसिल है या जो ये एविडेंस मिला है कि 5 लाख साल पहले ह्यूमंस के पास ऐसी नॉलेज थी कि वो लकड़ी के घर बना सकते थे, वो ये एविडेंस किस जगह पे मिला है, उस जगह का नाम आपको बताना है। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑलराइट द टाइम इज अप, देखते हैं कि इसका आंसर क्या है. इजंट इट सरप्राइजिंग दैट नाउ वी फाइंड द एविडेंस दैट ह्यूमंस वर लिविंग इन सोसाइटी बिल्डिंग ब्यूटिफुल वुडन हाउसेज एज वे बैक एज हाफ ए मिलियन ईयर्स बैक, 5 लाख साल पहले लकड़ी के घर बनाने का उनके अंदर नॉलेज था. तो अब इसका आंसर हम ओपन करते हैं. दिस इज अ प्लेस कॉल्ड कोलंबो फॉल्स, नेक्स्ट टू कोलंबो फॉल्स जाम्बिया में, जो अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया, जहां पे ये एविडेंस मिला कि 5 लाख साल पहले ह्यूमंस वर बिल्डिंग वुडन हाउसेस, नॉट लिविंग इन केव्स और एनीथिंग, दे वर बिल्डिंग वुडन हाउसेस. और अब हम देखते हैं किसने इसका आंसर दिया है. तो सीमा बरादर ने इसका आंसर दिया है द बैंक ऑफ रिवर इन जाम्बिया, बिल्कुल सही है. इस जगह का नाम है कोलंबो फॉल्स, जो वाटरफॉल के साथ में है. जो रिवर है वो जाम्बेजी रिवर है और इसके पास पुराने अवशेष मिले हैं, जहां पे ये पता चलता है कि 5 लाख साल पहले वहां के जो रहने वाले थे उनके पास नॉलेज थी कि वो लकड़ी के घर बना सके. तो सीमा ब्रदर, आपको इस राउंड में विजेता आप घोषित होती हैं, क्योंकि आपने इसका आंसर दिया है जाम्बिया आपने बोला है. एक्चुअल जगह का नाम है कोलंबो फॉल्स. ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं है, तो हमारी ये क्विज खत्म होती है. और आज की क्विज में सीमा बरादर ने ही पार्टिसिपेट किया है, तो आज की क्विज में जो एक आंसर जो वो दे नहीं पाई सही, लूना 17 उन्होंने दिया था, वो सही नहीं था. लेकिन उनकी जो स्कोर है आज सीमा बरादर का वो 3-0. इस वजह से सीमा ब्रदर, यू हैव वन टुडेज क्विज एंड यू आर एलिजिबल टू गेट फ्री ओरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज. सो आप अपना सवाल सोच लीजिए, बिकॉज व्हेन वी रिटर्न आवर एक्सपर्ट विल आंसर योर क्वेश्चन एंड विल प्रोवाइड ओरेकल रीडिंग टू यू. विशिंग यू ऑल द बेस्ट सीमा ब्रदर, गुड लक.